हेलो माय डियर, मैं नदीम खान आपका आपके अपने चैनल इको एजुकेशन पे स्वागत करता हूँ। और आज हम पढ़ेंगे अपने चैनल पे क्लास नाइन्थ इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। हमने इस चैप्टर पे ऑलरेडी दो वीडियो बना रखा है। अगर अब तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, उसे वहां से देख ले, उसके बाद ही इस वीडियो को देखे, क्योंकि ऐसे ये वीडियो नहीं समझ में आएगा। ओके, अभी तक हमने जो पढ़ रखा है इस वीडियो में या इस चैप्टर में, वो ये हमने पहले वीडियो में आपको इस चैप्टर के टॉपिक बताए थे कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक को कवर करना है। तो उसमें 5 टॉपिक हमने डिस्कस किया था। पहला हमने डिस्कस किया था कि ओवरव्यू देखना है, फिर इंट्रो देखना है, और फिर इसके बाद हमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन देखना है, और फिर इस चैप्टर में हमने कहा था कि फार्मिंग इन पालमपुर डिस्कस करना है, और लास्ट टॉपिक होगा नॉन फार्मिंग एक्टिविटी इन पालमपुर। इस तरह 5 टॉपिक को हमको इस चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर में कवर करना है। तो अब तक हमने तीन टॉपिक को कवर कर रखा है इस चैप्टर में। आज हम 4th टॉपिक पे डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं, आज हमारा 4th टॉपिक है फार्मिंग इन पालमपुर। उसको फार्मिंग इन पालमपुर, ये सिर्फ फार्मिंग पालमपुर की बात नहीं है, ये कंटेंस्ट है आप पूरे ओवरऑल द कंट्री के कंटेंस्ट में, ये इंडियन कंट्री के कंटेंस्ट में है। ये सिर्फ एग्जाम्पल एक पालमपुर का नहीं है आपका, ये एग्जाम्पल के तौर पे, एक तो आपको यहाँ पे पालमपुर के एग्जाम्पल के बेस पे बेसिक आप कंसेप्ट रिलेटेड टू द प्रोडक्शन क्लियर करना है, एंड सेकेंड जो है ये एक ओवरव्यू भी देता है आपकी कंट्री का, कि आपकी कंट्री में टोटल कितने पीपल हैं जो गांव से बिलोंग करते हैं, या कितने लोग हैं जो लैंड एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, फार्मिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, कितने परसेंट, और वो जो इन्वॉल्व है उनकी कंडीशन क्या है, ये ओवरव्यू एक इंडिया के कंटेंस्ट में भी देता है ये चैप्टर। इसलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं, फार्मिंग इन पालमपुर देखते हैं। चलिए देखते हैं इस स्टोरी को, फार्मिंग इन पालमपुर को हमको कवर करना है। इसमें 4th पॉइंट ये था हमें कवर करना है, फार्मिंग इन पालमपुर, और इसमें हम देखेंगे कुछ बेस्ड ऑन फॉलोइंग फैक्टर, कुछ फैक्टर्स के आधार पे हम पालमपुर की फार्मिंग एक्टिविटी को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ कुछ बेसिक कुछ बेस दिए गए, इन्हीं इंडिकेटर के आधार पे हम फार्मिंग इन पालमपुर को डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो पहला इंडिकेटर्स है हमें देखना है, जो इसमें दिया हुआ है आपके बुक के अकॉर्डिंग, वो है लैंड। लैंड इज फिक्स्ड। हमने पहले ही जब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन पढ़ा था उसमें बताया था किसी भी प्रोडक्शन एक्टिविटी करने के लिए आपको लैंड फर्स्ट प्रियोरिटी होती है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे भी जो आपको प्रोडक्शन करना है, या फार्मिंग भी एज अ प्रोडक्शन ही है, खेती करना वो भी एक तरह का प्रोडक्शन है, वहां आप किसी क्रॉप्स का प्रोडक्शन ही करते हैं, तो उसके लिए पहले आपको लैंड की रिक्वायरमेंट है। तो लैंड जो है वो फिक्स्ड है, ये पालमपुर की स्टोरी के अकॉर्डिंग भी बता रहा है इसमें कि लैंड जो है वो फिक्स्ड है। लैंड इज फिक्स्ड, और सिर्फ फिक्स्ड ही नहीं है, ये स्केयर भी है, स्केयर भी है। स्केयर का मतलब इस रिसोर्स की बहुत कमी है, ठीक है। तो एक तो फिक्स्ड भी है एंड स्केयर भी है लैंड आपका। तो अब हम जो लैंड की जो पालमपुर में लैंड है वो एक्सटेंड नहीं हो पाया आफ्टर द 1960 के बाद, उस लैंड का जो एरिया है वो फिक्स्ड है। जैसे पालमपुर ये एक लैंड है, ये पालमपुर का वो लैंड एरिया, सपोज दैट मान लेते हैं पालमपुर का वो लैंड एरिया है जहां फार्मिंग एक्टिविटी की जाती है, तो इतना भी ही फिक्स्ड हो गया आफ्टर द 1960 के बाद कोई भी लैंड एक्सटेंड नहीं किया गया या बढ़ाया नहीं गया, क्योंकि उससे पहले 1960 से पहले बहुत बड़ी संख्या में जंगलों को जलाकर हम उसको लैंड एक्टिविटी में चेंज कर लेते थे, लैंड में यूज कर लेते थे, फार्मिंग के लिए हम लैंड में यूज कर लेते थे। लेकिन 1960 के बाद इस लैंड
फार्मिंग के लिए लैंड, कभी फॉरेस्ट को जलाकर उसको लैंड को एक्सटेंड नहीं किया गया। तो अब तो हमारे पास जो लैंड है वो तो फिक्स्ड है और स्केयर भी है, लेकिन हमारी जरूरतें 1960 की तरह नहीं। अब हमारी जरूरतें बढ़ के मैक्सिमाइज हो गई। उस समय जब हमारा कंट्री फ्रीडम हुआ था उस समय हमारी पॉपुलेशन 42 करोड़ थी, लेकिन आज के डेट में आप जानते ही हैं 1 अरब 30 करोड़ के आसपास हमारी पॉपुलेशन हो चुकी है। अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 1 अरब 21 करोड़ हमारी पॉपुलेशन थी, लेकिन आज के डेट में इतनी जहां मैक्सिमाइज हो गई पॉपुलेशन, हमारी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन हमारी लैंड जो है वो आज भी अकॉर्डिंग टू द 1960 फिक्स्ड है। तो हमें इस लैंड, तो हमें अपने प्रोडक्शन को किसी भी तरह मैक्सिमाइज करना है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे इसमें, चेंज इन मेथड ऑफ कल्टीवेशन। हम कल्टीवेशन के मेथड को ही चेंज कर लेते हैं जिससे कि हम अपने क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन है उसको मैक्सिमाइज कर पाए। तो क्रॉप्स के प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए हम अपने कल्टीवेशन मेथड को चेंज करते हैं। एक अब चेंज में क्या करते हैं, कैसे, दो मेथड है यहाँ पे जो यूज किया गया है। दो तरीके से हम अपनी कल्टीवेशन मेथड को चेंज किया हमने जिससे हमारी प्रोडक्शन, क्रॉप्स के प्रोडक्शन मैक्सिमाइज हो और जिससे हमारी जो जरूरतें हैं वो पूरी हो पाए। तो पहला हमने किया मल्टीपल क्रॉपिंग का यूज किया। मल्टीपल क्रॉपिंग इट मीन्स, मल्टीपल क्रॉपिंग इट मीन्स सेम फील्ड ऑफ फार्मिंग, एक ही फील्ड में कई तरह की क्रॉपिंग की जाए, जैसे ज्वार एंड बाजरा। ठीक है, अब मान लीजिए वो एक ही सीजन में दोनों प्रोडक्शन किए जाते। रेनी रेनी सीजन में आपको पता है ये दोनों खरीफ की क्रॉप्स हैं। तो मल्टीपल क्रॉपिंग में हम एक ही लैंड में, एक ही टाइम में, सेम टाइम में या अनदर टाइम में अलग अलग तरह की क्रॉप्स, कई तरह की क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं। इस मेथड से हम अपने प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज कर लेते हैं। पहला ये एक तरीका है। इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं। पहला तो ये कंफ्यूज होना है कि मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब कि एक तो एक ही लैंड, जैसे कोई एक लैंड है और इसी में अलग अलग तरह की फार्मिंग की जा सकती है, कहीं ज्वार, कहीं बाजरा, कहीं कुछ, एक ही पीस ऑफ लैंड। तो एक तो ये बात है कि एक ही टाइम में भी की जा सकती है इसको, और अनदर टाइम में भी, अलग अलग टाइम में भी हम चाहे तो अलग अलग तरह की क्रॉपिंग करते हैं। इस तरह हमारे यहाँ इंडिया में जो क्रॉपिंग सीजन है वो 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। पहला आपका जो क्रॉपिंग सीजन है वो आपका रवि क्रॉप्स है, फिर जायद के क्रॉप्स है एंड खरीफ क्रॉप्स है। रवि की क्रॉप्स आपके अक्टूबर नवंबर में शो की जाती है और मार्च तक आपको उसकी कटाई हो जाती है। और रवि की क्रॉप्स में आपका वीट वगैरह होता है, आपको पता होगा। नेक्स्ट आपका जायद की क्रॉप्स में ठंडी चीजें, ठंडी सब्जियां जो होती हैं और जैसे ककड़ी वगैरह है, ये मार्च वगैरह में बोई जाती है। जब आपका ये नेचर ही है कि जब आपका टेम्परेचर बहुत हाई होता है उस समय हमें ठंडी चीज ठंडी फलों का प्रोडक्शन किया जाता है। और लास्ट में आपका है रेनी सीजन। रेनी सीजन में आपको खरीफ की क्रॉप्स ग्रो की जाती है, जैसे आपका राइस, ज्वार, बाजरा, ये सब है। तो इस तरह हम मल्टीपल क्रॉपिंग का यूज करके हम अपने प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करते हैं जिससे हमारी जरूरतें पूरी हो। लेकिन इस मेथड का यूज करके भी हम अपनी जरूरतों को फुलफिल नहीं कर पाए, इसलिए हमें कुछ और भी, देखिए कमी जहां होती वहीं पे किसी नई चीजों का इन्वेंशन होता है। तो हमें किसी और भी चीजों की जरूरत थी जिससे हम अपने प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज कर पाए और हम अपनी जरूरतों को पूरी कर लें। तो लेकिन हमने फिर नेक्स्ट जो जनरेशन आई 1960 में ही हमने एक न्यू कल्टीवेशन मेथड का यूज किया, मॉडर्न फार्मिंग मेथड इसे कहते हैं। मॉडर्न फार्मिंग मेथड में हमने ये कुछ इंडिया के कुछ जगहों पे ही ट्राई किया गया था 1960 एंड 1970 के बीच में। आपको ये मेथड सिर्फ पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के इलाकों में यूज किए गए थे। इसमें आपको जैसे आप जानते हैं, जैसे हम ग्रीन रिवोल्यूशन के नाम से जानते हैं, इसमें आपको जो ओल्ड सीड्स थे उसकी जगह रिप्लेस करके न्यू सीड का इस्तेमाल किया गया, HYP सीड के इस्तेमाल किए गए, कुछ नए मेथड यूज किए गए, कल्टीवेशन के नए नए मेथड, इट मीन्स न्यू मशीनरी
की यूज किया गया, नए टूल्स यूज किए गए जिससे हम अच्छे तरह से पहले तो उसकी सिंचाई कर ले और अच्छे पानी की फैसिलिटीज अवेलेबल करा पाए, जिससे हमारी जो फार्मिंग है और हमने अच्छी क्वालिटी की हाई एल्डिंग वैरायटी सीड का भी इस्तेमाल किया जिससे हमारे प्रोडक्शन मैक्सिमाइज हो और प्रोडक्शन जो क्रॉप्स है वो वेस्ट ना हो, इसके लिए हमने बड़ी संख्या बड़ी ज़्यादा ही अलग अलग तरह के पेस्टिसाइड भी यूज किए थे। तो इस तरह से रियली एक प्रोडक्शन के एरिया में एक रिवोल्यूशन आ गया था। कब? आफ्टर 1964 के बाद जब हमने ये ग्रीन रिवोल्यूशन यूज किया था। इसके लिए जब इंडिया में ग्रीन रिवोल्यूशन लाने का श्रेय हम जानते हैं एम एस स्वामीनाथन को जाता है और एम एस स्वामीनाथन का ये योगदान रहा, उन्हीं के लॉजिक के आधार पर इंडिया में ग्रीन रिवोल्यूशन को यूज किया गया और ये पहले कुछ जगहों पर ही यूज किया गया था पंजाब हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के इलाके में। तो इस तरह ग्रीन रिवोल्यूशन का इस्तेमाल करके इट मीन्स मॉडर्न फार्मिंग मेथड का इस्तेमाल करके हमने अपने क्रॉप्स प्रोडक्शन को वाकई मैक्सिमाइज किया। लेकिन इसके ये बेनिफिट है कि हमारे प्रोडक्शन तो मैक्सिमाइज हो गया, लेकिन इसका एक निगेटिव थिंग भी था क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में जब हमने पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया तो ये पेस्टिसाइड हमारे उन बैक्टीरिया को भी खत्म कर देते थे जो फेवरेबल थे हमारे सॉइल के लिए। इस तरह हमारे लैंड की जो फर्टिलिटी थी वो कम हो गई। एक तो लैंड की फर्टिलिटी कम हो गई, पानी ज्यादा यूज होने से हमारी वाटर लेवल नीचे जाने लगा, इस तरह से कई एनवायरमेंट में पोल्यूशन क्रिएट होने लगा और भी जिससे कि मतलब वाटर पोल्यूशन क्रिएट होने लगा क्योंकि जब बारिश हो तो वो केमिकल जो हमने यूज किया अपने क्रॉप्स में वो बहकर नदियों में जाते थे। तो इस तरह बहुत सारे इसके बैड इम्पैक्ट भी हमें देखने को मिले मॉडर्न फार्मिंग मेथड में जो हमने यूज किया था। तो इसलिए हमने नेक्स्ट पॉइंट ये था कि सस्टेनेबिलिटी ऑफ लैंड, हमें इस मॉडर्न फार्मिंग को यूज करने के बाद हमें अपने लैंड की सस्टेनेबिलिटी को बनाए रखना हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया था। यह हमारा नेक्स्ट पॉइंट था। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखेंगे हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है फॉर द कंटेस्ट ऑफ पालमपुर। और ये सिर्फ पालमपुर के कंटेस्ट में नहीं है, अकॉर्डिंग टू द होल कंट्री के रूप में भी आप इसे इस पॉइंट को देख सकते हैं जो इस बुक में दिया गया है। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड आपके बुक में एक्सप्लेन किया गया कि जो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन उसमें मैक्सिमम 75%। पहले तो आप ये देख रहे हैं कि 70 पूरे विलेज के 75% लोग फार्मिंग एक्टिविटी में ही इन्वॉल्व हैं। उन 75% में से मैक्सिमम लोग लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन जो है मैक्सिमम लोग क्या है लेस देन 2 हेक्टेयर के लैंड लॉट्स हैं। मतलब इसमें दो कैटेगरी डिवाइड की गई है अकॉर्डिंग टू योर बुक कि एक तो लेस देन 2 हेक्टेयर ऐसे किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम की जमीन है और ऐसे किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर या उससे ज्यादा की जमीन है। तो ऐसे से किसान 60 फैमिलीज ही, क्योंकि ओवरऑल फैमिलीज यहाँ 450 फैमिलीज दिया था, तो 60 फैमिली ही ऐसी है जिनके पास 2 हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर से ज्यादा की जमीन है और बाकी आपके 240 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम लैंड जिनके ओनरशिप में है और 150 फैमिलीज तो ऐसी है वहां पे विलेज में जो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते जिनके पास कोई लैंड का टुकड़ा तक नहीं है, कोई पीस ऑफ लैंड नहीं। तो वो ऐसे लोग क्या करते जिनके पास कोई तो ये हमने जो अभी डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बताया ये आप कंट्री के कंटेस्ट में भी देख सकते हैं क्योंकि हमारी कंट्री में भी सेम ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन है। मैक्सिमम ऐसे फार्मर है जिनके पास कोई पीस ऑफ लैंड नहीं। हमने फ्रीडम के बाद लॉ भी बनाया, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कुछ परसेंट ऐसे जिनके पास बहुत बड़ा लैंड का टुकड़ा होता है। तो इस तरह हमारा रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल हो चुका है। आफ्टर द फ्रीडम हमने गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश भी की थी कि इस चीज को हम खत्म करके लैंड इक्वलिटी या रिसोर्स जो अलग अलग हाथों में डिस्ट्रीब्यूट है, कुछ हाथों में कंजर्व हो रहे हैं, उसको हम सबके हाथों तक डिस्ट्रीब्यूट कर पाए। लेकिन ये बहुत हद तक सफल नहीं रहा ये प्रोग्राम गवर्नमेंट का। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड आप देखेंगे पालमपुर में भी कुछ ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट किया गया अकॉर्डिंग टू द इंडिया ही। तो ये
तो इसमें हमने देखा कि 150 फैमिलीज ऐसी है जो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करती है, जिसके पास कोई पीस ऑफ लैंड नहीं है, और 240 फैमिलीज ऐसी जिनके पास लेस देन 2 हेक्टर फैमिलीज लेस देन 2 हेक्टर पीस ऑफ लैंड है, और 60 फैमिलीज ऐसी है जो जिसके पास 2 हेक्टर या 2 हेक्टर से ज्यादा पीस ऑफ लैंड है। तो जिनके पास कोई पीस ऑफ लैंड नहीं है वो ये क्या करते हैं, वो लेबर का वर्क करेंगे। ऐसे भी हमने पहले अब तक जो डिस्कशन किया है इस चैप्टर में यहाँ से यहाँ तक, वो हमने प्रोडक्शन, क्योंकि फार्मिंग एक तरह का प्रोडक्शन है, उसके लैंड वाले रिसोर्स के पार्ट के हमने डिस्कस किया है। अब लेबर वाला पार्ट हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे भी मैं बता रहा हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड के अकॉर्डिंग जो लेबर है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई पीस ऑफ लैंड नहीं है, तो वो दूसरे के लैंड में एज अ वर्क करते हैं, एज अ लेबर के रूप में वर्क करते हैं, जिससे उनकी अपनी जरूरतें पूरी हो पाए। और कुछ लोग हैं, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके पास है भी तो बहुत छोटा पीस ऑफ लैंड है, जिससे उनकी जरूरतें नहीं पूरी हो पाती हैं, तो वो अपनी भी लैंड में वर्क करते हैं और साथ में दूसरे के यहाँ भी जो बड़े लैंड लॉर्ड्स हैं वहां पे भी वर्क करके अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। तो ये वो लेबर है। कैपिटल, कैपिटल का सेंस है यहाँ पे। कैपिटल जब आप जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इस प्रोडक्शन में आपको मॉडर्न फार्मिंग मेथड यूज करना है, तो आपके लिए बहुत बड़े मात्रा में पानी का यूज है, बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड यहाँ पे यूज करना है, हाई एल्डिंग वराइटी सीड यूज करना है, जिसके लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है। तो जो छोटे लैंड लॉर्ड्स हैं या जिनके पास कोई लैंड नहीं है, तो उनके पास जो छोटे लैंडलॉर्ड्स हैं तो उनको एक बड़ी पूंजी की जरूरत पड़ती है, किसके लिए, प्रोडक्शन के लिए, फार्मिंग के लिए। तो वो या तो अपनी जरूरतों को खुद से नहीं पूरा कर पाते हैं, तो साहूकार के यहाँ, ये वही लैंडलॉर्ड्स यहाँ जाते हैं और डेब्ट लेते हैं, कर्ज लेते हैं, लोन लेते हैं, जो उन्हें बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पे दिया जाता है। इस तरह जो गरीब है वो ज्यादा ही इसी तरह गरीब कर्ज के साइकिल में फंसकर वो और गरीब होते चले जाते हैं। तो ये आपको कैपिटल, इसका इंपॉर्टेंस ये है कि आपको प्रोडक्शन एक्टिविटी करने में लैंड के साथ साथ लेबर और कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। अब ये कैपिटल वो पालमपुर के लोग, उसमें जो लेस देन 2 हेक्टर के लैंडलॉर्ड्स हैं, उनको इसके लिए लोन लेना पड़ता है, कर्ज लेना पड़ता है दूसरों से, ठीक है। अब जब आएंगे जो बड़े ये सेलिंग ऑफ फॉर्म प्रोडक्ट, तो जो सेलिंग ऑफ फॉर्म प्रोडक्ट में दो तरह के सेल दो कैटेगरी डिवाइड कर सकते हैं हम। पहला तो ये है कि जो छोटे लैंडलॉर्ड्स हैं वो जब कर्ज लेते हैं साहूकार से या लैंडलॉर्ड से, तो वो अपने प्रोडक्ट को मजबूर होते हैं कि आप उन्हीं बड़े लैंडलॉर्ड्स को ही अपना प्रोडक्ट सेल करेंगे जो भी आपने फार्मिंग की है। और वो जो बड़ा सेलर्स और बड़ा जो लैंडलॉर्ड्स है वो क्या करता है, उन छोटे फार्मर से प्रोडक्ट को लेकर वो डायरेक्ट मार्केट में उसे सेल करता है। तो इसी सेलिंग ऑफ फार्म प्रोडक्ट, इसमें एक सरप्लस प्रोडक्शन भी है। सरप्लस प्रोडक्शन एक पॉइंट दिया गया है, उसको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। सरप्लस प्रोडक्शन का मतलब वो प्रोडक्शन जो आपके रिक्वायरमेंट से एक्स्ट्रा हो, जिसे आप मार्केट में सेल करने के लिए ले जाते हैं, वह आपका सरप्लस प्रोडक्शन कहलाता है। तो इस तरह ये टॉपिक कवर हुई, ठीक है। और इसमें एक लास्ट पॉइंट हमारा बच गया है, ये सारे पॉइंट को खत्म करने के बाद एक लास्ट पॉइंट हमारा बच गया है, इसमें देख लेते हैं, उसे भी खत्म कर देते, वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी, उसके लिए सॉरी। लास्ट पॉइंट है इसमें नॉन फार्मिंग एक्टिविटी इन पालमपुर, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी इन पालमपुर। तो हम इसमें बस इतना, बहुत ज्यादा नहीं, हमने बताया कि 75% लोग तो डिपेंड है फार्मिंग के लिए किसी भी विलेज में, जैसे पालमपुर में भी 75% जो पॉपुलेशन है वो फार्मिंग करती है, लेकिन 25% ऐसे पॉपुलेशन है जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी करती है। अब नॉन फार्मिंग एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जो फार्मिंग को छोड़ के बाकी सभी एक्टिविटी जिससे आप इनकम करते हैं वो सभी नॉन फार्मिंग एक्टिविटी हो गई, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे शॉपकीपर का काम, डेयरी का काम, ट्रांसपोर्ट का काम, ये इस तरह की एक्टिविटी जो वहां पे पालमपुर में हो रही है,
वो सभी नॉन फॉर्मल एक्टिविटी में इंक्लूड होती है। तो इस तरह से कुछ एक्टिविटी दी गई थी जो हर विलेज में, अप्रॉक्सीमेटली लगभग सभी विलेज में ये कुछ एक्टिविटी नॉन फार्मिंग होती है, जिसपे बहुत 25% पीपल ही डिपेंड होते हैं। मैक्सिमम 75% पॉपुलेशन जो डिपेंड होती है वो आपकी फार्मिंग पे डिपेंड होती है। तो इस तरह ये ओवरऑल ये पूरा टॉपिक कवर हुआ। 5 टॉपिक हमने बताया था इस चैप्टर में, वो 5 टॉपिक आपका इस चैप्टर का कवर हुआ। अगर इस पूरे चैप्टर में या इस वीडियो में, फार्मिंग एक्टिविटी में या नॉन फार्मिंग एक्टिविटी या इससे पहले जो हमने बनाया उस पे भी, उस टॉपिक पे भी अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे जरूर कमेंट में पूछिए, और अगर कोई डाउट हो, कुछ सजेशन है तो वो भी मुझे कमेंट में दीजिए। और थैंक यू, हैव अ नाइस डे।